हेलो दोस्तों, मुस्कान अलवी हिंदी क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ठाकुरी बाबा कहाँ जो है रेखा चित्र पढ़ेंगे। तो इससे पहले यूनिट 10 में एक क्लास और आपकी दी हुई है मैंने, वो है माटी की मूर्तें। तो प्लेलिस्ट बना दी गई है और यूनिट 10 हम अपना आज से जो है शुरू कर रहे हैं। केवल एक ही क्लास इससे पहले अपलोड की थी मैंने, आज ये यूनिट 10 की दूसरी क्लास है। तो आप सभी जो नए स्टूडेंट आए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको UGC नेट हिंदी की जून के लिए तैयारी कराई जा रही है। साथ ही आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें सभी तरह के अपडेट्स के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। और अगर आपको पेड कोर्स लेना है UGC नेट हिंदी प्लस पेपर वन का, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और सभी जानकारियां ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को आरंभ करते हैं। ठकुरी बाबा, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी ने ये रेखा चित्र लिखा है। रेखा चित्र क्या होता है पहले हम इस बात को जान लें, तभी हम रेखा चित्र के अंदर की विषय वस्तु को समझ पाएंगे। तो रेखा चित्र में किसी सामान्य व्यक्ति का चित्रण होता है। वह सामान्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है, चाहे वो अखबार वाला हो, या वो है कोई सेवक सेविका हो, नौकर हो, या कोई भी सामान्य व्यक्ति, सब्जी वाला, दूध वाला, कोई भी सामान्य व्यक्ति, जिस जो भी लेखक के निकट आया हो जीवन में, जो भी उसके कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए व्यक्ति आया हो और उससे लेखक जो है कहीं ना कहीं एक गहरे संबंध, यानी कि एक कुछ ना कुछ नया सीखा हो लेखक ने, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे लेखक जो है रेखा चित्र लिखता है। रेखा चित्र में जो है सभी चीज़ें यथार्थ के धरातल पर लिखी जाती है, इसमें काल्पनिकता की जो है कमी होती है। तो ये जो रेखा चित्र है ठकुरी बाबा एक ग्रामीण कवि हैं और यह भाट जाति से संबंधित थे और ये कवि थे और लेखिका जो थी वो भी कवियत्री थी, महादेवी वर्मा जी। तो उन्होंने ठकुरी बाबा को क्या कहा है, सहजातीय कहा है, यानी अपनी जाति का, यानी कवि, दोनों लोग कवि कवि हो गए तो सहजातीय कहा है। तो ये जो ठकुरी बाबा है ये स्मृति की रेखाओं में एक रेखा चित्र है, एक पुस्तक है स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की, उसमें संकलित है। और है पांचवें नंबर पर ये आपका आता है स्मृति की रेखाएं। और प्रकाशन वर्ष स्मृति की रेखाओं का सन 1943 है। इसमें कुल 7 रेखा चित्र संकलित हैं और पांचवें नंबर पे हमारा ठकुरी बाबा दिया गया है। तो ये एक ग्रामीण भाट जाति से हैं और कल्पवास के दौरान इनसे भेंट होती है लेखिका की, यानी कल्पवास के दौरान इनसे, जब लेखिका महादेवी वर्मा जी कल्पवास पर होती हैं, कल्पवास की अवधि पर होती है, कल्पवास के दिनों में होती हैं, जब लेखिका महादेवी वर्मा जी कल्पवास की अवधि में होती हैं, उस समय जो है वो इन कवि से मिलती है। तो कल्पवास क्या होता है यह भी जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ठकुरी बाबा के बारे में जानते हैं। यह ग्रामीण पात्र हैं, इस रेखा चित्र के केंद्रीय पात्र जो हैं वो ठकुरी बाबा ही हैं, जो कि गाजीपुर के सैदपुर नामक स्थान से 33 मील दूर के रहने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कितनी मील दूर के रहने वाले थे वो सैदपुर से। तो सैदपुर कहाँ है गाजीपुर में, गाजीपुर कहाँ है उत्तर प्रदेश में है। तो गाजीपुर में एक स्थान का नाम है सैदपुर और वहाँ से 33 मील दूर के रहने वाले थे ये ठकुरी बाबा। और अब हम जानेंगे कल्पवास क्या होता है। कल्पवास हिंदू धर्म में कल्पवास का बहुत महत्व है। कल्पवास का मतलब होता है कि कल्पवास क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा कि माघ के मेले में, माघ का मेला जो है वो लगता है माघ के महीने में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में। तो प्रतिवर्ष मेला आयोजित होता है और उस समय वहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कि प्रयागराज में जो है संगम स्थल है, जो कि गंगा यमुना का वहाँ पे संगम होता है। तो वहाँ पे उसी स्थान के निकट बहुत सारे श्रद्धालु जो है, जब ये मेला लगता है तो अपना अपना तंबू गाड़ के श्रद्धालु जन जो है वहाँ पे
जमा होते जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, कोई 1 माह के लिए, कोई 20 दिन के लिए इत्यादि, अन्य अपने अलग अलग अवधि के लिए आते हैं, और सभी श्रद्धालु जन जो है वो वहाँ पे एकत्रित होते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, और वहाँ पे मेला जब वो आयोजित होता है उस दिन तक वहाँ पे रहते हैं तंबू में। तो कल्पवास, इसी अवधि को कल्पवास कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा जी जब अपनी सेविका भक्तिन के साथ वहाँ पर गई हुई थी और एक तंबू में वहाँ पे रहती थी, तो तभी ये ग्राम के जो ये कुछ ग्राम के कुछ एक दल जो है वहाँ पे आता है लेखिका के पास और कहता है कि आपका ये तो जो ये स्थान है ये रैन बसेरा है, क्या हमें यहाँ पे रहने के लिए आप आज्ञा नहीं देंगी। तो भक्तिन जो होती है वो क्रोधित होती है, लेकिन बाद में वो जो है लेखिका जो है वो उससे उन लोगों को आने की अनुमति दे देती है। अनुमति कौन मांगता है लेखिका से? तो एक दल जो है ग्राम से आ रहा होता है, यानी ये जो सैदपुर से आ रहे हैं 15-20 लोग इनके ठकुरी बाबा के साथ में होते हैं, तो ठकुरी बाबा ही जो है परमिशन मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं लेखिका से कि हमें भी अपने इस कुटिया में जो है परामदेव में जगह दे दो। तो धीरे धीरे वो लोग यहाँ पे रहने लगते हैं और कल्पवास की अवधि तक, और धीरे धीरे लेखिका के किताबों इत्यादि स्थानों तक वो उनकी पहुंच जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे परिभाषा के रूप में भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी देख लेते हैं। संगम के तट पर रहते हुए वेद अध्ययन और ध्यान पूजा करना, इस दौरान 1 माह के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जन वहाँ पे आते हैं और एकत्रित हो जाते हैं प्रयागराज में। तो गंगा, यमुना और सरस्वती वहाँ पे 3 नदियों का संगम स्थान माना गया है। सरस्वती लुप्त नदी के रूप में मानी गई है। इसी अवधि को जो है कल्पवास कहा जाता है। और इसी समय वहाँ पे महादेवी वर्मा जाती हैं और तब ठकुरी बाबा से मुलाकात होती है। ठकुरी बाबा जो ग्रामीण पात्र हैं और गांव से जो दल आया है 15-20 लोगों का, उसमें से सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं ठकुरी बाबा। अब हम देखेंगे जो स्मृति की रेखाचित्र हैं उसमें कुल 7 जो हैं रेखाचित्र लगे हुए हैं। तो उनमें से कौन कौन से 7 रेखाचित्र हैं ये भी हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। तो देखते हैं, भक्तिन उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रेखाचित्र, और भक्तिन इस रेखाचित्र में भी बहुत बार आएगी पात्र के रूप में। फिर दूसरे नंबर पर चीनी युवक, फिर जंग बहादुर, मन्नू, ठकुरी बाबा, बिबिया। ठकुरी बाबा को आप देख सकते हैं कि ये कौन से नंबर पर है, 5वें स्थान पर पुस्तक में संकलित किया गया है, और फिर बिबिया और 7वें नंबर पर गुंगिया। तो ये 7 रेखाचित्र हैं, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। ये स्मृति की रेखाओं में संकलित किए गए हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा। उनकी पुस्तक है स्मृति की रेखाएं, रेखाचित्र का एक संस्करण है। तो व्रत भक्तिन की प्रगल्भता तथा स्वामी भक्त चीनी युवक की करुण मार्मिक जीवन गाथा, पर्वत के कूली जंग बहादुर की कर्मठता, और फिर मन्नू, ठकुरी बाबा, बिबिया तथा गुंगिया जैसे चरित्रों की मर्मस्पर्शी जीवन की झांकियां जो हैं इस पुस्तक में महादेवी वर्मा जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो भक्तिन के बारे में, यहाँ पे भक्तिन कौन है? एक वृद्ध स्त्री है जिसकी उम्र कितनी है, लगभग 75 से 80 के आसपास उसकी आयु है। तो ये 7 रेखाचित्र थे जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने दृष्टि की बुक से यहाँ पे पेज रखा हुआ है कुछ अन्य जानकारियों को यहाँ पे आपके साथ साझा करने हेतु। तो ठकुरी बाबा के बारे में क्या लिखा है वहाँ पे पॉइंट, ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं 1943 में संकलित है, 5वें नंबर का रेखाचित्र है। अपने रेखाचित्रों में महादेवी वर्मा ने अपने संपर्क में आने वाले शोषित व्यक्तियों, दीनहीन नारियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संविदात्मक चित्रण किया है।
उनके रेखाचित्रों में अनुभूति की अभिव्यक्ति में चित्र का बिंब विधान और सुक्ति का प्रभाव एक साथ संश्लिष्ट रूप में देखने को मिलता है। ठाकुरी बाबा इसी नज़रिए से लिखा गया संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। तो किस तरह का रेखाचित्र है? संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, यानी कुछ विद्वानों ने रेखाचित्र को संस्मरण भी माना है। रेखाचित्र और संस्मरण में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये जो रेखाचित्र है ठकुरी बाबा, आप इसको संस्मरण भी कह सकते हैं। कहीं कहीं प्रश्न में आपको संस्मरण देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं पर रेखाचित्र देखने को मिल सकता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए, क्योंकि ये संस्मरण भी है और रेखाचित्र भी संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, ठीक है। और इस रेखाचित्र के जो मुख्य पात्र हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। महादेवी जी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, महादेवी वर्मा जी स्वयं इस रेखाचित्र के एक पात्र हैं, और भक्तिन जो उनकी सेविका है, उनके साथ रही सदा, मतलब उनके साथ रहती थी भक्तिन, 75 वर्ष की लगभग आयु है इनकी। ठाकुरी बाबा जो इस रेखाचित्र के केंद्रीय पात्र है, ग्रामीण कवि बेला इनकी पुत्री होती है, ठाकुरी बाबा की बेटी, वृद्ध ठाकुराइन, काछी विदुर, यानी ये एक काका होते हैं, काछी विदुर काका, सहुआइन और ब्राह्मण दंपत्ति। तो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण दंपत्ति है या नहीं इस रेखाचित्र के पात्र। तो देखिए है, तो सहुआइन, इनको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। सहुआइन भी है, ब्राह्मण दंपत्ति भी है, वृद्ध ठकुराइन भी पात्र है, और काछी विदुर भी यहाँ पे पात्र है, और बेला भी है, बेला इनकी पुत्री है, और भक्तिन तो है ही इनके साथ। अब हम अपना मूल जो हमारा रेखाचित्र है उसे यहाँ से हम आरंभ करते हैं। मैंने इस रेखाचित्र को पूरा पढ़ा और फिर आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी, ताकि कम समय में आप तक पहुँचा चीज़ें पहुँच सके, आपका अधिक समय यहाँ पे व्यस्त ना हो। तो पांचवें नंबर का यहाँ पे है, भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी, तब उसे विश्वास ही ना हो सका। तो यहाँ पे जो महादेवी वर्मा है वो कल्पवास करने की सूचना भक्तिन को देती हैं, और भक्तिन जो है उसे विश्वास नहीं होता कि हम कल्पवास के लिए लेखिका जो है वो जा रही है। कल्पवास की उभिर आई तब उहो हुई जाई, यानी भक्तिन ने क्या कहा, जब लेखिका ने कहा कि मैं कल्पवास के लिए जा रही हूँ और तुम्हें भी साथ चलना है, तो वो क्या बोलती है कि कल्पवास की उम्र आई तब उहो होई जाई, यानी जब कल्पवास की उम्र आएगी तब वो हो जाएगा। का एक ही दिन सब नेम धर्म समाप्त करे की प्रतिज्ञा है, यानी क्या एक ही दिन सब काम करने की, नियम धर्म करने की प्रतिज्ञा ली हो। तो ये किसका कथन है? भक्तिन का कथन है, जो लेखिका की सेविका है, और वो उसकी भाषा ऐसी है, तो बीच बीच में ऐसी भाषा आपको देखने को मिलेगी। यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती, यह भक्तिन को समझाना कठिन है, इसी से मैं उसे समझाने का निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी भ्रांति को स्वीकृति देती हूँ। यानी जब वो ये जवाब देती है भक्तिन, तब लेखिका क्या कहती है, मैं मौन रहकर उसकी बात का जवाब देती हूँ, ना कि उससे कुछ कहती हूँ, बल्कि मौन रहती हूँ। मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है, यह भक्तिन से छिपा नहीं। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से इतना नहीं घबराती जितना मौन से आतंकित होती है। यानी लेखिका की क्या आदत थी महादेवी वर्मा जी की, कि वह मौन रहकर अक्सर अपनी प्रतिक्रिया दिया करती थी। तो ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं, प्रत्युत वह जय की सूचना है। और ठीक है, ये कथन इम्पोर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी ने अपने रेखाचित्र में कहा है। तब भक्तिन का और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ। हमारे आसपास और भी ना जाने कितनी पुरकुटियाँ थीं, पर वह काम चलाऊ भर कही जाएंगी। कुटियाँ बनाई जाती थी आसपास, यानी तंबू बनाए जाते थे जब कल्पवास में लोग जाते हैं, तो
अभी भी आप देखेंगे तो आप लोग वहाँ पे देख पाएंगे। कल्पवास क्या होता है? किसी समय इस कल्पवास का कितना महत्व रहा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज का समारोह भी पर्याप्त है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, उनके पारस्परिक परिचय, विचारों के आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक समन्वय का यह महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियाँ इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक रही हैं। नदियों का जिक्र भी आ गया, यानी यहाँ पे क्या है, संगम है गंगा यमुना सरस्वती का। इसी से इनके तट पर इस प्रकार के सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई। तो इन्हीं इसी संगम के तट पर ये जो है कल्पवास की अवधि श्रद्धालु लोग गुजारते हैं, अनिवार्य हो गई हो तो आश्चर्य नहीं। आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना धर्म बन गया है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कथन, मुझे इस कल्पवास का मोह है क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है उतना किसी अन्य उपाय से संभव नहीं, और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव का अंग बन गई है। तो कल्पवास के लिए लेखिका का क्या विचार है, क्या सोच है, वो बोल रही है कि मुझे इस कल्पवास का मोह है क्योंकि इससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, इस जीवन में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति इससे होगी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बात समझने के लिए है। कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा आपका उतना ही आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो लेखिका क्या कह रही है, मुझे इस कल्पवास का मोह है। ठीक है, यानी लेखिका के लिए कल्पवास कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। गर्मियों में जहाँ तहाँ फेंकी हुई आम की गुठली जब वर्षा में जम आती है तब उसके पास मुझसे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं रहता। घर के किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है तब उसे मुझसे अधिक सजग प्रहरी दूसरा नहीं मिल सकता। मेरे चारों ओर ना जाने कितने जंगली पेड़ पौधे पक्षी आदि मेरे सामान्य जीवन प्रेम के कारण ही पनपते जीते रहते हैं। जिसका दूध लग जाने से आँख फूट जाती है वह थूहर, थूहर एक पौधा होता है, थूहर भी मेरे संयंत्र लगाए आम के पाशर में गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है। धस कर ना निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भटकते सुनहले रेशम के लच्छों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के भुट्टे के निकट अधिकार आसन जमा लेता है। ना जाने कितनी बार सर्दी में ठुठुरते हुए पिल्लों की टिमटिमाती आंखों के अनुने ने मुझे उन्हें घर उठा ले आने पर बाध्य किया है। यानी इसमें लेखिका का कैसा आपको स्वभाव पता चल रहा है, लेखिका जो है वो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को अपने घर में लेकर आती है, आश्रय देती है। लेखिका का जो स्वभाव है वो आश्रय देने जैसा स्वभाव है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, पक्षी हो या मानव हो, उन सभी से वह प्रेम करती है और सभी को जो है अपने घर में शरण देती है। पानी से निकाले हुए जल में मछलियों की तड़प पक्षियों के व्यापारी के संकीर्ण पिंजड़े में आँखों की फड़फड़ाहट लोहे की काले कटघरे जैसी गाड़ी में बंदी और हाफते हुए कुत्तों की। तो यहाँ पे बस इतना ही मैंने हाईलाइट किया है, इससे बस यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा कि लेखक का, लेखिका का स्वभाव कैसा है, वो सभी को जो है आश्रय देती है, शरण देती है। धर्म में अखंड विश्वास होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्तिन के लिए भी क्या है, कल्पवास महत्वपूर्ण है, और भक्तिन धर्म में अखंड विश्वास रखती है। पर वह जानती है कि मेरी भानुमति का कुनबा जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोह माया के बंधन तोड़ने का अवकाश ना देगी। गांव के मेले से लेकर कल्पवास तक सब मेरे लिए पाठशाला है, इम्पोर्टेंट, पर इनमें मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधना नहीं। तो क्या कह रही है भक्तिन को और अपना स्वभाव बता रही है लेखिका, जो भक्तिन है वो मोह माया से दूर नहीं रह पाती क्योंकि जो भक्तिन है वो लेखिका की सेविका है, और लेखिका का स्वभाव कैसा है, भानुमति का कुनबा जोड़ने वाला, सभी से संपर्क रखना और उनको अपने पास शरण देना। तो जब लोग अधिक रहेंगे तो मोह माया जो है
बनी रहेगी जीवन से और बाकी भौतिक वस्तुओं से। और कल्पवास की अवधि में क्या होता है कि हमें ध्यान लगाना होता है प्रभु के लिए। तो यही सब लेखिका यहाँ पे व्यक्त कर रही हैं। संक्रांति के दिन पहले संध्या के समय जब मैं योग दर्शन खोल कर बैठी, तब विरल बदलियाँ बिजली के तार में गूंद गूंद कर सघन होने लगी। भक्तिन ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों का एक दल उस ओर के बरामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्तिन संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है, वह भला इस आकस्मिक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगी। तो ये इम्पोर्टेंट कथन है। तो जो मैंने बताया था आरंभ में, जो ठकुरी बाबा हैं वो ग्रामीण एक यात्रियों के दल में आते हैं और वह उसमें सबसे वृद्ध होते हैं, और वही इनके लेखिका से जो है अनुनय विनय करते हैं कि हमें भी आश्रय दे दीजिए अपनी कुटिया में, अपने आंगन में। तो किस समय? संक्रांति के एक दिन पहले संध्या के समय ये लोग पहुँचते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है किस दिन पहुँचते हैं। तो संक्रांति के एक दिन पहले संध्या का समय पहुँचते हैं। जैसे कल संक्रांति का दिन है तो आज शाम को ये लोग लेखिका के तंबू में पहुँच जाते हैं। और जो उनकी भक्तिन है वो संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है, क्योंकि उसका मानना है कि ये सभी लोग अगर यहाँ रहेंगे तो लेखिका को परेशानी होगी, इसलिए वो इन सभी से सही से बात नहीं करती, गुस्सा करती है। उठकर देखा, एक वृद्ध के नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की सम्मिश्रित भीड़ थी। गठरी, मटरी, बर्तन, हुक्का, चिलम, चटाई, पिटारा, लोटा, डोर, सब गृहस्थी लांदे फांदे यह अनिमंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, यह समझना कठिन था। तो ये सभी लोग ये सभी चीज़ें लादे हुए थे। यूथप व्रत ने दो पग आगे बढ़ाया। तो जो व्रत थे उन्होंने दो पग आगे बढ़कर परम शांत पर स्नेहसिक्त स्वर में कहा, बिटिया रानी का हम परदेसिन का ठहरे ना देही, बड़ी दूर से पाए प्यादे चले आयित है, ई तो रैन बसेरा है, भोर भय उठी जाना रे। तो का झूठ कहित हैं, हम तो बूढ़ बाढ़ मनई हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लेखिका कह रही है इस रेखा चित्र में कि एक वृद्ध था जो कि ठकुरी बाबा थे, और उन्होंने दो पग आगे बढ़ाया और वहाँ पे रहने की अनुमति लेखिका से मांगी, और क्या कहा उस स्थान को कि तो रैन बसेरा है। तो ये इम्पोर्टेंट है उस स्थान को, बरामदे को, लेखिका का जो उस समय घर कह सकते हैं आप, या शरण वाला घर कह सकते हैं आप। तो शरण स्थान था जो तंबू था, वहाँ पे रहने की अनुमति मांगी और उसे क्या कहा, रैन बसेरा कहकर संबोधित किया आपका गुरु बाबा ने। तो यहाँ पे इतना ही था, अब आगे बढ़ते हैं। व्रत के कंठ स्वर और उसके कथन की आत्मीयता ने मुझे बहुत आकर्षित कर लिया। भक्तिन की दृष्टि में अस्वीकार के अक्षर पढ़कर भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, आप यहीं ठहरे बाबा, मेरे लिए तो यह कोठरी ही काफ़ी है। यानी एक कोठरी थी जहाँ पे वो रह रही थी, और यहाँ पे बरामदा था, और कोठरी के अंदर लेखिका रहती थी और पढ़ती थी। लेखिका कौन सी पुस्तक पढ़ रही थी? योग दर्शन की पुस्तक पढ़ रही थी, जो हमने अभी ऊपर देखा। जिन्होंने नहीं देखा मैं एक बार और उन्हें दिखा दूं। यहाँ पे देखिए, योग दर्शन खोलकर बैठी थी संक्रांति के एक दिन पहले संध्या को, योग दर्शन की पुस्तक लेखिका पढ़ रही थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो लेखिका ने, महादेवी जी ने अनुमति दी कि आप यहाँ ठहर सकते हैं बाबा, मेरे लिए तो कोठरी ही काफ़ी है। भक्तिन खाना बाहर बना लिया करेगी, इतना बड़ा बरामदा है, आप सब आ जाएं, रैन बसेरा तो है ही। तो यहाँ पे अनुमति दे दी। अब क्या होता है, दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी, मुझ में इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान ना करूं, और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ के धक्का मक्के में स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। सो मैं मुँह अंधेरे ही भक्तिन को जगा कर कोहरे के भारी
तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी और दूसरे दिन संक्रांति था, यानी ये लोग एक दिन पहले मिले थे, संक्रांति की संध्या को मिले थे। बरामदे की दूसरी ओर का जमघट कुछ विचित्र सा था। एक सूरदास समाधिस्थ जैसे बैठे थे, उनके मुख के चैचक के दाग दृष्टि के जाने के मार्ग दृष्टि के जाने के मार्ग की ओर संकेत करते जान पड़ते थे। श्याम और दुर्बल शरीर में कंठ की उभरी नसों का तनाव बताता था कि वे अपनी विकलांगता का बदला कंठ से चुका लेना चाहते हैं। सिर की बांस का एक कोना कुछ बढ़कर कूटी जैसा बन गया था, इसी से एक चिकारा और एक जोड़ मंजे लटक रहा था। तो यहाँ पे जो एक दुर्बल शरीर वाला व्यक्ति बैठा है, अंधा है जो कि, वो कौन है? सूरदास जैसी समाधि लिए हुए है, क्योंकि सूरदास जी भी अंधे थे। तो यहाँ पे उसी अंधे को सूरदास जैसा बता है। चेचक के दाग हैं उसके चेहरे पर और दृष्टि के जाने के मार्ग की ओर ये दाग जो है वो संकेत करते हैं। ये कौन है? ठकुरी बाबा का दामाद है, अंधा दामाद, जो कि बेला का पति है। बेला पुत्री है तो उसी का पति है। इसे सूरदास के जैसा इस रेखा चित्र में बताया गया है। सूरदास जैसी समाधि लिए वो बैठा हुआ था। स्त्रियों के डिपार्टमेंट को आर्थिक स्थिति भी इससे कुछ अधिक अच्छी नहीं जान पड़ी, यानी जो स्त्रियां थी उनकी आर्थिक स्थिति भी जो थी खराब थी। बड़ी सी गठरी के सहारे दो वृद्धाएं सुमीरनी लिए ठंडी जमीन पर बैठी थी, जिनमें से एक ऊंग रही थी और दूसरी अपने आसपास बसा सृष्टि के प्रति अनावश्यक चौकन्ने लगती थी। ऊंगने वाले को पैरों में कसे हुए गोल चिकने कड़े और हाथ में चांदी की एक चपटी चूड़ी, उसे ये उनका यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि बस यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है कि स्त्रियों के डिपार्टमेंट की आर्थिक स्थिति उन लोगों की उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो ग्रामीण थे और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी सक्षम नहीं थी। उसके एक और दो सावलियाँ किशोरियाँ भी थीं, एक बड़े पिटारे में ना जाने क्या खोज रही थी। तो फिर से वहाँ पे उन सभी का वर्णन है। तो यहाँ पे दो सावली किशोरियाँ हो गई, दो वृद्धाएँ हो गई, चार स्त्री पात्र तो यही हो गई, और बेला हो गया और बेला का पति हो गया अंधा, एक श्यामांगनी युवती, इन सभी पात्रों को नोट करें, एक श्यामांगनी युवती हो गई, लिखते जाएं पात्रों की सूची बना लीजिए। एक श्यामांगनी युवती बाहर बालू में गड्ढे खोद खोद कर चूल्हे बनाने में लगी थी। अब आगे देखेंगे। उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अभिंगते से संभाषण कर बहाना सोच रही थी कि घूंघट वाली के सहज स्वर ने मुझे चौंका दिया। पाँव लगी दीदी, यानी पाँव छूती हूँ दीदी, आपका तो हम पांचे बड़ा कष्ट देहीन है। हम पांचे यानी पांच लोग थे वो, हम पांचे यानी पांच लोग, पांच स्त्रियां भी हो सकती हैं। पाल लागन के उत्तर में क्या कहा जाए, यह मेरी नागरिक प्रगल्भता भी ना बता सकी। इसी से मैंने नहीं कष्ट काहे का, जगह की कमी से आप ही लोगों को तकलीफ हुई कहकर शिष्टाचार की परंपरा का जैसे पालन किया। तो लगभग पांच स्त्रियां इसमें हैं। फिर मैं अपनी कोठरी की व्यवस्था में लग गई और भक्ति मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी मिलाकर और काले तिल के लड्डू लेकर दान परंपरा की रक्षा करने गई। वहाँ से लौटकर उसने खिचड़ी चढ़ाई। खाने के समय भक्तिन को दिख, तो यहाँ पे खाने पीने का वर्णन है, गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। तो लेखिका क्या नहीं खाती है? गुड़ के काले तिल के लड्डू लेखिका नहीं खाती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं प्रश्न आजकल एनटीए क्या पूछ ले कुछ पता नहीं। तो गुड़ के मीठे लड्डू लेखिका नहीं खाती, इसी से भक्तिन ने मेरे निकट मोदक रखे, मोदक बनाए लेखिका के लिए। बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल का लड्डू, घी, आम के अचार की एक फांक और दही लाए थे। अरुचि के कारण घी रहित और पथ्य के कारण मिर्च अचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। तो लेखिका क्या नहीं खाती? घी नहीं खाती है, मिर्च और अचार भी नहीं खाती है। यह अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने मना नहीं और मेरी माना नहीं और मेरी खिचड़ी पर दानेदार घी रख दिया और थाली में एक और अचार रख दिया। दही का दोना थाली से टिकाकर अनुनय के स्वर में कहा, तनिक सा
चखो तो बिटिया रानी का पढ़े लिखे मनई यह खाए के जियत है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लेखिका नहीं खाती है, जैसे पसंद नहीं करती है, अरुचि है उनकी घी में और अचार वगैरह में। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे की का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू गुड़ या पुए, रंगीन दलिया में मुरमुरे चने या भुने शक्कर आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने चौके में से मेरे लिए कुछ ना कुछ बचाकर सीके पर रख देते थे। एक साथ इतना सब खाने के लिए मुझे जीवन की ममता छोड़नी होगी, यह बार बार समझाने पर भी उनमें से कोई मानता ही नहीं था। यानी क्या होता है, शिविर लग रहा है वहाँ पे, है ना, टेंट में है सब लोग, कल्पवास की अवधि के लिए आए हैं, तो सब लोग कुछ ना कुछ बनाते थे और लेखिका के लिए रखते थे। तो लेखिका के लिए काफ़ी चीज़ें हो जाती थी, तो इसी को लेखिका ने क्या कहा, पंचायती कहना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट शब्द हो सकता है, पंचायती किसे कहा है, खाने के तरह तरह के भोजन को पंचायती यहाँ पे लेखिका ने कहा है। कल्पवासी एक ही बार खाते और माघ के कड़कड़ाते जाड़े में भी आग ना तापने के नियम का पालन करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, कल्पवासी क्या करते हैं, एक ही बार भोजन करते हैं और आग सेकते नहीं है, है ना। इन नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगेपन के कारण वो लोग आग नहीं जलाते हैं, और कुछ अन्न का अभाव रहता है इसलिए वो लोग एक ही समय खाते हैं, और कुछ तपस्या की परंपरा भी है इस कारण से वो लोग इन नियमों का पालन करते हैं। तो कल्पवासी किन नियमों का पालन करते हैं हमने देख लिया। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश में अवितीर्ण होने के कारण, अवितीर्ण यानी जन्म लेने के कारण कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। तो ये सजातीय कहा है इनको, क्योंकि वो कवि हैं इसलिए सजातीय कहा है। तो ये पता होना चाहिए कि सजातीय क्यों कहा है लेखिका ने ठकुरी बाबा को, क्योंकि वो कवि हैं इसलिए सजातीय कहा है, और लेखिका भी कवि हैं, आधुनिक कवियत्री हैं। आधुनिक युग में भाट चारगुणों के कर्तव्य और आवश्यकता में बहुत अंतर पड़ चुका है, इसी से ना कोई उनके अस्तित्व को जानता है और ना उनके कवित्व व्यवसाय का मूल्य समझता है। अब तो उनका पैतृक धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया है। समय के प्रवाह को देख कर ही ठकुरी बाबा के पिता ने तुकबंदी करना भी छोड़ दिया था। उपयोग मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया, यानी साधारण किसान उनके पिता रहे ठकुरी बाबा के। अपनी दिवंगता प्रथम पत्नी के दोनों सुयोग्य पुत्रों को भी नीति शास्त्र में पारंगत बनाकर भावुकता के प्रवेश का मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नवोढ़ पत्नी भी जब परलोक वासिनी हुई तब उसका पुत्र अवोध बालक था, पर पिता ने प्रिय पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। तो ठकुरी बाबा के पिता की कितनी शादियाँ होती हैं, 2 शादियाँ होती हैं। स्नेह प्रदर्शन के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनाने का संकल्प किया। इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जैसा भागीरथ प्रयत्न किया गया उसे देखते हुए असफलता कि देवी ही कहा जाएगा। संभवतः पति की नीतिमत्ता से भागकर परलोक शरण पाने वाली माँ पुत्र को बचाने के लिए उस पर भावुकता की वर्षा करने लगी। हो सकता है कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो, पर यह सत्य है कि हठी बालक ने अपना पराया तक नहीं सीखा। नीति के अन्य अंगों को तो चर्चा ही क्या। हताश पिता ने इस कठोर शिक्षा का भार बड़े पुत्रों पर छोड़कर जीवन से अवकाश ग्रहण किया। तो यहाँ पे उनके जो ठकुरी बाबा उनके पिता के बारे में बात हो रही, तो उनके क्या थे, सौतेले भाई थे, यानी उनके पिता ने 2 विवाह किए थे ठकुरी बाबा के पिता ने, और सौतेले भाई थे और बड़े और गृहस्थी वाले थे, गृहस्थ थे, यानी इसी से घर द्वार सब उन्हीं के अधीन था। और छोटा भाई चाकरी के बदले भोजन वस्त्र पाता रहा। छोटा भाई कौन, ठकुरी बाबा, उसका कवित्व भाइयों के लिए लाभप्रद ही ठहरा, क्योंकि कोई भी कला संस्कृति और विशेषता व्यवसायिक बुद्धि को पनपने ही नहीं दे सकती। यानी जब किसी व्यक्ति में कला हो तो वो क्या नहीं कर सकती, व्यवसायिक बुद्धि को पनपने नहीं दे सकती।
पनपने ही नहीं रह सकती, और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, दूसरों को नहीं। तो यानी कवि का हृदय जो होता है, कवि का बुद्धि और मन जो होता है, वो काफ़ी सरल और शांत होता है, सादा होता है। कहने का तात्पर्य यह है लेखिका का, जब जात बिरादरी में छोटे भाई को अविवाहित रखने पर टीका टिप्पणी होने लगी, तब भाइयों ने क्या किया, उसका एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया, यानी ठकुरी बाबा का विवाह कर दिया। जब जात बिरादरी में बात उठने लगी कि तुम्हारा भाई अविवाहित है, तो एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया, और भाइयों ने देवरानी को सेवक धर्म की शिक्षा देना आरंभ कर दिया। सेवक धर्म की यानी सेविका बनाकर रखा। दंपत्ति सुखी नहीं हो सके, यह कहना व्यर्थ है। दासों का एक से दो होना प्रभुओं के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। एक और उससे प्रभुता का विस्तार होता है, और दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो साम दम दंड भेद द्वारा उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ करते रहते हैं, और दास अपनी विवश भूजलाहट और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों को विविध बनाकर उससे बाहर आने का मार्ग अवरुद्ध करते रहते हैं। तो यहाँ पे देवर देवरानी मिलकर यदि गृहस्थी बसा लेते तो सेवा का प्रश्न कठिन हो जाता, यानी जो ठकुरी बाबा है उनकी गृहस्थी जो है भाइयों ने, सोतेले भाइयों ने, और जो बड़ी भाभियाँ थी उन्होंने बसने नहीं दी, क्योंकि देवर देवरानी अगर मिलकर गृहस्थी बसा लेते तो सेवा कौन करता, फिर उनकी सेवा करना कठिन हो जाता। इसलिए इसी से भाइयों ने नई बहू की चुगली करके उसे पति के निकट अपराधिनी के रूप में उपस्थित करने लगे, यानी उसकी चुगली पीट करने लगे और उसे पति से दूर कर दिया। पत्नी की निर्दोषिता के संबंध में पति का मन विश्वास और अविश्वास के हिंडोले में झोंके खाता था, पर ना उसने अपने विश्वास को प्रकट करके वधू को सांत्वना दी, ना अविश्वास प्रकट करके अपने मन का समाधान ही किया, यानी ठकुरी बाबा ने क्या किया, अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लिया। गवीली पत्नी भी अपनी ओर से कुछ ना कहकर अविराम परिश्रम द्वारा मन का आक्रोश व्यक्त करने लगी। ठकुरी बेचारे कवि ठहरे, शुष्क यथार्थता उनकी भाव बोझिल कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र ही ना पाती थी। पत्नी भी उनकी सीधी थी, ग्रामीण थी, तो कहीं चिरहा गाने का अवसर मिल जाता तो किसी के भी मचान पर बैठकर रात रात भर खेत की रखवाली करते रहते थे ठकुरी बाबा। कोई बारहमासा सुनने वाला रसिक श्रोता मिल जाता तो उसके बैलों का सानी पानी करने में भी होठी ना समझते, यानी अपने को छोटा ना समझते। कोई आल्हा उदल की कथा सुनना चाहता तो मीलों पैदल दौड़े चले जाते। कहीं होली का उत्सव होता तो अपने कबीर सुनाने भूख प्यास भूल जाते। तो ये सभी गुण थे ठकुरी बाबा में। ठकुरी बाबा ये सब गाना जानते थे, क्या क्या, कहीं विरहा गाना जानते थे वो, पहला तो नंबर एक विरहा गाना जानते थे, दूसरा बारह मासा सुनाते थे, तीसरा आल्हा और ऊदल की कथा सुनाते थे वो, और इसके लिए तो वो मीलों पैदल भी चले जाते थे, और कहीं कहीं पे वो कबीर को सुनाया करते थे। तो एक दो तीन और चार, ये चार चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से जानते थे और लोगों को सुनाया करते थे। अपनी इस काव्य वाचकता के कारण वे कोई और काम ठीक से ना कर पाते थे। नागरिक शिष्ट समाज के समान कोई उन्हें 50 रुपये फीस देकर गलेबाजी के लिए नहीं बुलाता था। इसी से अर्थ की दृष्टि से कवि ठाकुर दीन सुदामा ही रह गए। किसी ने मैली पिछोरी के कूड़ में थोड़ा सा तिल गुड़ बांध कर उदारता प्रकट की तो कवि को क्या मिलता है कवित्व सुनाने के लिए, यहाँ पे वो वर्णन हो रहा है, यानी ठकुरी बाबा को क्या क्या मिला। कुछ वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या का उपहार दिया, यानी कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद पत्नी ने क्या दिया, ठकुरी बाबा को एक पुत्री होती है, पुत्री का जन्म होता है। पर इसके उपरांत वह
पत्नी जो है मर जाती है, उसका देहांत हो जाता है। पथ्य के अभाव में प्रसूति ज्वर से पीड़ित हुई तथा उचित चिकित्सा के अभाव में 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन में मुक्ति पा गई। जब 1.5 वर्ष की होती है उनकी पुत्री, तब वो इस जीवन से चली जाती है ज्वर हो जाने के कारण। ठकुरी उसी रात आल्हा सुनाकर लौटे थे। क्या सुनाकर लौटे थे? आल्हा सुनाकर। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा ने उनके मर्म को छेदा नहीं था, पर यौवन के प्रथम प्रहर में सारे स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया था। यानी पत्नी का जब देहांत होता है तब वो हिल गए थे। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। उससे पहले वो केवल एक कवि थे और चीज़ों को उतना गंभीरता से नहीं लेते थे, जीवन के प्रति उतनी गंभीरता नहीं थी। घर में बालिका की उपेक्षा देखकर और उसके परिणाम की कल्पना करके वह अल्भोगे पर बाध्य हुए तथा घर की व्यवस्था के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को लिवा लाए। बूढ़ी मौसी पात्र को भी नोट करें, और इसी ने क्या किया था, बेला का परवरिश की थी, पाला पलोसा था, पर कन्या की देख रेख वह स्वयं करते थे। आल्हा उदल की कथा के प्रेमी पिता की बेला विनोद के समय उनके कंधे पर चढ़ी हुई घूमती थी। क्या करते थे वो? आल्हा सुनाया करते थे और आल्हा उदल की कथा सुनाया करते थे। उस समय क्या करती थी, बेला जो है उनके कंधे पर बैठी रहती थी, घूमती और काम के समय पीठ पर बंधी हुई रहती थी, यानी अपनी पुत्री को अपने साथ साथ रखते थे, उनके काम की निगरानी करती थी। किसी के हंसने पर ठकुरी कह देते कि जब मजदूर माँ अपने बच्चे को लेकर काम करती है तब पिता के ऐसे करने में लजाने की कौन बात है, यानी लज्जा करने की कौन बात है, जब मजदूर माँ कर सकती है तो पिता भी कर सकता है, बेला के लिए तो वही बाप है और वही माँ है। ठकुरी बाबा अपनी इस पुत्री का बहुत अधिक ध्यान रखते थे। बालिका जब 6-7 वर्ष की हुई तब ठकुरी किसी काव्य प्रेमी सजातीय के सुशील पर मात्र पितृहीन भतीजे को ले आए और बेला की सगाई करके भावी जमाता को अपना काम का सिखाने लगे। तो जब वो 7 वर्ष की थी बेला, तभी उसका विवाह कर दिया ठकुरी बाबा ने एक अंधे लड़के के साथ। भाग्य संभवता इस देहाती कवि से रुष्ट था। तो देहाती कवि किसे कहा है? ठकुरी बाबा को कहा है। इसी से शिक्षा समाप्त होते ही भावी जमाता के चेचक निकल आई। चेचक वह बच तो गया पर एक आंख के लिए संपूर्ण सृष्टि अंधकार में हो गई। यानी जब विवाह हुआ तब वो अंधा नहीं था, लेकिन बाद में चेचक की बीमारी होने के कारण वो अंधा हो गया। दूसरी में इतनी ज्योति शेष नहीं रही कि ठोस संसार भाव का बदलाव सा दिखाई पड़ने लगा, यानी दोनों ही आँख उसकी खराब हो गई। पिता ने कन्या की इच्छा जाननी चाही पर वह हट में महोबे की लड़ाई की उस बेला के समान निकली, जैसे पिता के बाग में लगे चंदन की चिता पर ही सती होने का प्राण किया था। तो इतना। अब कवि ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूप सी बेटी एक विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। तो ठकुरी बाबा के परिवार में कौन कौन है? कवि ससुर यानी ठकुरी बाबा खुद, उनकी बूढ़ी मौसी और अंधा दामाद और उनकी रूपसी बेटी बेला, ये लोग हैं जो इनके परिवार के सदस्य हैं। ससुर ने दामाद को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली है। जब ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाते हैं तब वह खंजड़ी पर 2 उंगलियों से थपकी देकर तान संभालता है। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मजीरा बनकर देती है, झनकार देती है और भीतर काम करती हुई बेला की गति में एक थिरकन भर जाती है। तो ये सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं, गाना बजाना करते हैं। घर में एक मुर्रा भैंस, 2 पछाई गायें और एक हल की खेती होने के कारण जीवन यापन का प्रश्न विशेष समस्या नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि जीवन यापन इनका सही चल रहा है, सरल चल रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है, भैंस है और गाय भी है और खेती भी ये लोग करते हैं। यह विचित्र परिवार हर वर्ष माघ के मेले के अवसर पर गंगा तीर कल्पवास करके
पुण्य पर्व मनाता है। इसके साथ गांव के अन्य भक्त जन भी खींचे चले आते हैं। ठकुरी बाबा तो सबको अपना अतिथि बनाने को प्रस्तुत रहते हैं, पर कल्पवास में दूसरों का अन्न खाने वालों को विनी में अपना पुण्य फल नहीं मिलता है, तो अपना अपना भोजन करना पड़ता है। तो उनके परिवार में कौन कौन था आप समझ गए होंगे। एक वृद्ध ठकुराइन है पति के जीवन काल में। अब कौन कौन से गांव के लोग उनके साथ आए हैं, परिवार वाले आप समझ गए होंगे, ऊपर मैंने अभी बताया। अब देखेंगे कौन कौन से ग्रामीण लोग इनके साथ आए हैं। एक वृद्ध ठकुराइन आई है पति के जीवन काल में। वे परिवार में रानी की स्थिति रखती थी, परंतु विधवा होते ही जिठोतों ने निसंतान काकी से मत देने का अधिकार भी छीन लिया। गांव के नाते वह ठकुरी की बुआ लगती है। क्या लगती है? ठकुरी की बुआ लगती है। इसी से पुण्य कमाने के अवसर पर वह उन्हें साथ लाना नहीं भूलते। दूसरी एक सहुआइन है जिनके पति गांव की तेली बालिका को लेकर कलकत्ते में कर्तव्य पालन कर रहे हैं। विवाहित जीवन के डबल सर्टिफिकेट के समान दो दो बिछुए पहनकर और नाक तक खींचे घूंघट में वधुवंश की मर्यादा को सुरक्षित रखकर वह परचून की दुकान द्वारा जीवन यापन करती हैं सहुआइन जी। हर माघ में वह अपने दो किशोरे बालकों के साथ आती है, आकर कल्पवास की कठोरता सहती है और कमर तक जल में खड़ी होकर भावी जन्मों में साहू जी को पाने का वरदान मांगती है। पति ने उनका इहलोक बिगड़ दिया है। इहलोक यानी ये जो जीवन है, दुनिया का जीवन, उसे बिगाड़ दिया है। इहलोक जीवन को बिगाड़ दिया है, पर अब उसे अतिरिक्त किसी और की कामना करके वह परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। तीसरा कोने एक विदुर काछी है। किसी के खेत के टुकड़े में कुछ तरकारी बोकर किसी की आम की बगिया की रखवाली करके अपना निर्वाह करता है। उसकी घरवाली तीन पुत्रियों की भेंट दे चुकी थी। चौथा पुत्र उपहार देने के अवसर पर वह संसार के सभी आदान प्रदानों से छुट्टी पा गई, यानी मर गई। उसकी पत्नी रात दिन कठोर परिश्रम करके भी उसे प्राय भूखा सोना पड़ता था। चौथी बार पुत्र जन्म के उपरांत घर में थोड़ा चावल ही मिल सका। बड़ी लड़की ने उसी का भात चढ़ा दिया। भात यदि माँ खा लेती तो बच्चे भूखे सोते। इसी से उसने चावल पसाकर मांड स्वयं पी लिया और भात उनके लिए रख दिया, यानी चावल का पानी जो होता है वो पी लिया और भात चावल बच्चों के लिए रख दिए। उसी रात वह सन्निपात ग्रस्त हुई और तीसरे दिन नवजात पुत्र के साथ ही उसके जीवन की कठिन तपस्या भी समाप्त हो गई। पिछले वर्ष काछी आम के पेड़ पर सिर से गिर पड़ा। तब से ना वह सीधा खड़ा हो सकता और ना कठिन परिश्रम के योग्य है, यानी वो एक विकलांग है, एक लंगड़ा है। दोनों किशोरी बालिकाएं कभी सहुआइन भोजी के कंडे पात कर कभी कंडे पात कर यानी जो कंडे पात कर कभी पंडिताइन का घर लीप कर जो यानी कि जो उपले होते हैं, जो गोबर के उपले जो होते हैं उन्हें ही कहा है कंडी पात कर कभी पंडिताइन का घर लीप कर कुछ पा जाती हैं, यानी दोनों जो बालिका है वो कुछ ना कुछ जो ग्रामीण कार्य होते हैं उनको करके कुछ ना कुछ पा लेती हैं। पर छोटी बालिका पिता के गले की फांसी हो रही है। ठकुरी बाबा के भरोसे ही वह अपनी तीन जीवों को सृष्टि लेकर कल्पवास करने आता है, पर गंगा माई से वह मांगता क्या है इसका अनुमान लगाना कठिन है। चौथे कोने ब्राह्मण दंपत्ति है। पति और पत्नी दोनों गवई गांव के यजमानी। वह काम धेनु नहीं है कि पंडित जी मेहनती मांग लेते, पर कहीं कथा बाज कर और कहीं पुरोहिती करके वे आजीविका का प्रश्न हल कर लेते हैं। विधाता ने जाने कैसे षड्यंत्र रचकर उन्हें पूनामक नरक से उबारने वाले को अवतार नहीं लेने दिया, पर पंडित जी अपनी स्तुतियों द्वारा गंगा को गदगद करके बेचारे चित्रगुप्त का लेखा जोखा व्यर्थ कर देना
चाहते हैं। पंडितायन भी अच्छी है, पर संतान के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा ने उनकी आशा के मधुर्य में वैसी ही खटाई उत्पन्न कर दी है जैसी देर से रखे हुए दूध के फटे जाने पर स्वाभाविक है। यानी इन दोनों की संतान नहीं है। पति के पूजा पाठ का खटराग पंडितायन को फूटी आँख नहीं सुहाता। इसी से वह कभी चंदन मुठियाँ नाज में गाड़ देती हैं, कभी सुमीरनी भोखे में छिपा आती है और कभी पोथी पत्रा अपनी पिटारी में बंद कर रखती है। यानी पति के पूजा पाठ का खटराग पंडितायन को फूटी आँख नहीं सुहाता। इस विचित्र साम्राज्य के साथ मैंने माघ का महीना भर बिताया, अंतः इतने दिनों के संस्मरण कुछ कम नहीं है, पर इनमें एक संध्या मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। तो आपने देखा कि कौन कौन से पात्र थे और कैसे जो है माघ का विचित्र साम्राज्य इन्होंने इसे कहा है। मैं अधिक रात तक पढ़ती रहती थी। यानी अब क्या कह रही है लेखिका, एक संध्या का जिक्र करेंगी जो उनके लिए महत्व रखती थी। मैं अधिक रात तक पढ़ती रहती थी, इसी से मेरा वह अतिथि वर्ग भजन कीर्तन के लिए दूसरे कल्पवासियों के मंडली में जा बैठता था। एक दिन ठकुरी बाबा ने इसने भरी शिष्टता के साथ कहा कि एक बार अपनी कुटी में भी भगत हो तो अच्छा है, भजन हो तो अच्छा है। यानी ठकुरी बाबा ने क्या कहा लेखिका से कि एक बार अपनी कुटी में भी भजन हो जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा परामर्श दिया लेखिका को। मैं कोलाहल से दूर रहती हूँ, कोलाहल यानी शोर शराबे से दूर रहती हैं लेखिका, इसी से भजन कीर्तन में सम्मिलित होना भी मेरे लिए सहज नहीं होता, पर उस दिन संभवतः कुतूहल वंश ही मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दिन निश्चित हो गया। कौन सा दिन निश्चित हुआ? पूजा पाठ मतलब भजन के लिए माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी रही होगी। सवेरे कुछ मेघ खंड आकाश में एकत्र हो गए थे, पर संध्या की सुनहली आभा के खर प्रभा में वह धारा में पड़े नीले कमलों के समान वह कर किसी अज्ञात कुल से जा लगे। संध्या स्नान और गंगा में दीपदान करके वह सब कुटी के बरामदे में और बाहर बालू पर एकत्र हो गए। यानी सब लोग आ गए, सब लोगों का माघी पूर्णिमा के पहले आने वाले त्रेतादशी के दिन ये लोग भजन कीर्तन करते हैं और इसी संध्या को लेखिका ने महत्वपूर्ण बताया है अपने लिए। भक्तों ने तुलसा महारानी नमो नमो गाया और पंडित जी ने पूजा विधान समाप्त किया। तो क्या क्या गाया? तुलसा महारानी नमो नमो और पंडित जी ने पूजा की। कबीर सूर तुलसी जैसे महान कवियों से लेकर अज्ञातनामा ग्रामीण टुकड़ों तक के पद उन्हें स्मरण थे, उन लोगों को याद थे। तो इन सभी पर जो है क्या गाए, इन सभी के पद गाए गए। तो संस्मरण में कुछ गीत गाए गए हैं वो हम देख लेते हैं। पंडितायन के कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, ये किसने गाया? पंडितायन ने गाया। तो ये नोट कर लीजिए, लेख आजकल गीतों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंडितायन का गीत ये हो गया नंबर एक। फिर मैं यदि भाव का विस्तार था तो सहुआइन ने कौन सा गाया? चले गए गोकुल से बलवीरा, दूसरे नंबर का गीत। चले गए विलखत ग्वाल विसुरती गोए तलफत जमुना नीरा चले गए, मैं अभाव की गहराई सुनाए बिना गुजर ना हुई, ये भी एक गीत है। कह कर गवाए हुए काची काका के मन मगन भैया तब क्या बोले। तो काची काका ने कौन सा गाया? तीसरे नंबर का गीत। मन मगन भया तब क्या बोले, तो ये काची काका का गीत हो गया तीसरे नंबर का। मैं यदि तन्मयता की सिद्धि थी तो अंधे युवक ने कौन सा गाया? सुधी ना बिसरे मोही श्याम तुम्हारे दर्शन की। तो ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इम्पोर्टेंट गीत मैंने यहाँ पे भी हेडिंग डाल रखी है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। सभी ने गीत गाए, अंधे युवक ने भी, पंडितायन ने भी, काची काका ने भी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठकुरी बाबा ने
खास खास कर कंठ साफ करने के उपरांत आंख मूंद कर गाया। ये है ठकुरी बाबा का गीत। खेले लागे आंगन में पुअर कन्हैया हो, बोले लागे मैया नीकी खोटो बल भैया हो, खटरस भोग उन्हीं नहीं भावे रामा, तो मैया माखन रोटी खवाबे ले बलैया हो। तो यहाँ से आप वीडियो पॉज करके इस गीत को पढ़ेंगे और इस गीत को नोट भी कर लेंगे। पंक्तियाँ दी जा सकती है कोई भी, और ठकुरी बाबा का गीत पूछा जा सकता है। तो ये कुछ गीत आए हैं इस रेखा चित्र में। सहुआइन ने पहले बाहर से झांका, फिर एक पैर भीतर रखकर विनीत भाव से जो कहा, उसका आशय था कि अब दिए को विदा कर देना चाहिए, उसकी माँ राह देखती होगी। यानी संध्या के समय इन्होंने ये गीत भजन किए और फिर दिया, अब फिर सहुआइन ने क्या कहा, अब दिए को विदा कर देना चाहिए, यानी अब बंद कर देना चाहिए और अब सो जाना चाहिए। तो हंसी मेरे होठों तक आकर रुक गई, दिए को विदा कर देना चाहिए सुनकर लेखिका हंसने लगी। जब उनके लिए सब कुछ सजीव है, तब ये दीपक की माँ की ओर उसकी प्रतीक्षा की कल्पना क्यों ना करे। यानी इन लोगों के लिए सब कुछ सजीव है। मेरा पूरा कुटी के दो बरामदे चांदनी से धुल से गए थे, उनमें ठंडी जमीन चादर, अब रात का वर्णन कर रही है लेखिका, आदि पर जो सृष्टि सो रही थी, उसके वाहे रूप और हृदय में उतना अंतर क्यों है, यही मैं बार बार सोच रही थी। उनके हृदय का संस्करण, उनकी स्वाभाविक शिष्टता, उनकी, तो यहाँ पर रात का वर्णन किया गया है, उन्हें जीवन यापन की साधारण सुविधाएं तक दुर्लभ हो जावे, तो उनको साधारण जीवन की सुविधाएं भी दुर्लभ रूप से मिलती है। कितनी ही विराट कवि सम्मेलन, कितनी ही अखिल भारतीय कवि गोष्ठियां मेरी स्मृति की धरोहर है। मन ने कहा खोजो तो उनमें कोई इससे मिलता हुआ चित्र, और बुद्धि प्रयास में थकने लगी। ये इम्पोर्टेंट कथन है, इसको नोट कर लीजिए। सजे हाल ऊंचे माला विभूषित सभापति मेरी स्मृतियों में उदय हो आए, उनके इधर उधर देवदूतों के समान विराजमान कवि गण रूप और मूल्य दोनों में अपूर्व थे, कई फर्स्ट क्लास का किराया लेकर थर्ड की शोभा बढ़ाता हुआ आया था। कोई अपने कार्यवश पहले ही से उस नगर में उपस्थित था, पर थोड़ा समय वहां बिताने के लिए इतनी फीस चाहता था, जिसमें आना जाना और आवश्यक कार्य संपन्न होने के उपरांत भी कुछ बच सके। किसी ने अपने काव्य की महार्घता बढ़ाने के लिए ही अपनी गलेबाजी का चौगुना मूल्य निश्चित किया था। तो ये ऐसे ही है, अब हम आगे देखेंगे। मैंने हंसी में कहा तुम स्वर्ग में कैसे रहोगे बाबा, वहाँ तो ना कोई तुम्हारे कूट पद और उलट बांसिया समझेगा, और ना आला उदल की कथा सुनेगा। तो उलट बांसिया भी वो कहा करते थे कबीर की, स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराएं में तुम कुछ ना जांचोगे। ठकुरी बाबा का मन प्रसन्न हो आया, कहने लगे सो तो हमू जानित हैं बिटिया, हम वहाँ शोर मचाऊ कि भगवान जी पुन धरती पे ढनकाए दे हैं। यानी हम वहाँ पे अगर शोर मचाएंगे स्वर्ग में, तो भगवान जी हमें धरती पर दोबारा धड़का देंगे। हम फिर धान रोपब क्यारी बनाऊ चिकारा बजाऊ, और तुम पांचे का आल्हा उदल की कथा सुनाऊ। तो यहाँ पे मजाक चल रहा है लेखिक और ठकुरी बाबा का। स्वर्ग हमका ना चाही मुदा हम दूसर नाव शरीर मांगे, बरे जाब जरूर ई ससुर तो बनाए के जर्जर हुईया। यानी ये जो शरीर है ये बनकर जर्जर हो गया, और वह गा उठे। अब उन्होंने क्या, चलत प्राण काया काहे रोई राम। तो ये एक बार मिले और इस तरह से मजाक किया लेखिका ने। जागिए
कृपा निधान पंछी बन बोले। तो ये भी कुछ ठकुरी बाबा के ही गीत है। तो ठकुरी बाबा के जो गीत की पंक्तियाँ दी हुई ने क्रम से लिख लीजिए ठकुरी बाबा के गीत, क्योंकि पूछा जा सकता है निम्न में से कौन ठकुरी बाबा का गीत नहीं है। तो यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट था। अंत जो है वो इसी पंक्ति से होता है, अपनी प्रभाती से वह किसे जगाते हैं यह कहना कठिन है। तो यहाँ पे इस गीत से, इस पंक्ति से इस रेखा चित्र का समापन होता है। तो आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे UGC नेट की तैयारी कराई जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें और पेड कोर्स लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।